कैसेट प्रेजेंट। तो कैसे हैं आप लोग? अब इससे पहले हम आगे बढ़ें यार, मैं आप लोगों को कुछ गानों के नाम सुनाना चाहता हूं जो कि शायद आपने इससे पहले कभी ना सुने हो। भाई कमाल, मेरी बॉडी में मोबाइल, लहंगा में घुसा ततैया, बबीता का डांस किस किस को देखना है, जल्दी से आ जाओ। और एक चुलबुले लौंडे की एल्बम का नाम है बुलबुल का बच्चा। बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा भी हो गया बहनचोद। अभी तो बुलबुल कॉलेज में थी। बुलबुल कॉलेज की, बुलबुल कॉलेज की। खैर आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद के, क्योंकि आज थोड़ा ज्यादा होने वाला। जा वैसे कुए पे या मुंह कर कहने थोड़ा, अरे गम में हो रहा से तिरपान का रोड़ा, अरे गम में हो रहा से तिरपान का रोड़ा। दरअसल ये भाई साहब बहन का रोला कहना चाह रहे हैं, पर लग बहन का लौड़ा रहा है। खैर यार, अभी बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं आरजे रॉबर्ट जेम्स का गेम प्ले। मैं आपको अपनी टीम दिखा देता हूँ कि क्या है टीम। किया और चेक ओपी की टीम है, अपने पास 3 स्ट्राइक हैं और 3 ब्रेकर, क्योंकि यार स्टार्टिंग में बहुत बकचोदी हो गई, इसमें बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने, आपका बहुत टाइम ख़राब किया। तो यार अभी ज़्यादा बकचोदी नहीं पेलते हुए आपको पूरा दिखा देता हूँ यार कि मेरा रॉबर्ट का डैमेज कितना है, लेवल 9 एबिलिटी है और वगैरह वगैरह जो भी है, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग के टाइम मैं थोड़ा नशे में था तो मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्वाइप कर दिया। खैर इन सब बकचोदियों को पीछे रखते हुए अभी टोटल टीम देखो, 41 का अभी टोटल हेल्थ है और इसका जो डैमेज है वो 6000 ब्रेकर का है प्रेडिक्टर पंच का। तो अभी इन सब चीज़ों को करते हैं एक साइड में और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो भाई देखो, पहले बैटल में कौन आता है, क्योंकि आज मैं बहुत कायदे में लौंडे पेलने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले बैटल में किम्बरली डीएस पिंक वर्सेस पिंक, यानी कि नेवी ब्लू वर्सेस पिंक। तो लौंडे को कुछ सुअर बना के मारूंगा आज मैं, और यार कुछ इस कदर सुअर बनाऊंगा इसका, मारते मारते डायनासोर बना दूंगा मैं। तो पिछले ही मैच में जो मैंने पेला इसको, फिलहाल अभी इसको लपेटता हूँ कि कुछ टाइम मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर। भयंचोद इसकी जो किक है उसका डैमेज बूम, मैं 10,000 की हेल्थ पे लेगा लिटरली यार, मतलब मेरी तो गान फटी। पीछे चल इसकी बहन को नमन, चल पीछे चल, बूम ब्रेकर जैक ओपी इन द चैट, ऑलवेज जैक ओपी भाई, चलो पीछे चलो भाई, आज कुछ ज़्यादा पे लो भाई। डेढ़ छाणा बहन चोद हमसे डेढ़ छाणा पंती करे, इनको पता नहीं है कि मैं लौंडों को घुटने पिलाने में एक्सपर्ट। भाई हम खाते हैं बर्गर और पेलते हैं घर घर, इसकी बहन को नमन, चल पीछे चल भाई, पॉइजन डैमेज ओ बहन चो, 24 के हेल्थ सिर्फ, बूम एक शॉट बूम। खैर एक जय गोपी की, अबे भाई क्रिटिकल भी हो जाती है तो 2000 प्लस हो जाता। खैर स्ट्राइक, अरे भाई सीढ़ी की। खैर यार इसने पेल दिया स्लेच, और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये स्लेच पेलेगा, तो गंदा पीले हैं हम। और अभी डार्क नाइट बूम, तो यार अभी लेके आया है ये लौंडा यार जेन आकू, जो कि खतरनाक क्रिजन ब्लेड का डैमेज होगा इसका 10-15 करोड़ का, 10-15 हज़ार का आई मीन। तो बूम किया, चल पीछे चल इसकी बहन को नमन, पीछे चल भाई, इसको पता नहीं है आज मैं चमनप्रास खा के आया हूँ, क्योंकि चमनप्रास खा के चूसती रहती है भाई, ये मैं सोचो चुस्ती रहती है यार, फिटनेस यार, एनर्जी रहती है, ठीक है। तो चलो पीछे बूम, चमनप्रास इसे भी खिलाते हैं, अभी रुको थोड़ा मैं पिल जाऊँ, पहले वॉल बीन पेलता हूँ यार, चल पीछे चल। वॉल बीन का डैमेज यार बहुत ही झाट बराबर है एकदम यार, क्यों इतना यार 800 का डैमेज लिटरली यार, लेवल 7 एबिलिटी है, कम से कम 2-3 हज़ार का डैमेज दो, 800 का क्या डैमेज, इससे अच्छा रहे दो बहन चो, इससे अच्छा क्या है। चलो पीछे चलो भाई, एक ओहो स्ट्राइक फट गई बहन, चलो पीछे आओ, पीछे चल तेरी वह सीढ़ी की, चल पीछे भाई, टाउंट मार लिया तो टाउंट पेल लिए, ये कैसी बात हुई, चलो अपन भी कैंसिल करके खेलेंगे, चल पीछे चल तेरी, हम भी पेलेंगे टाउंट, ऐसी क्या बात हो गई, हम भी अभी ट्रेंड को फॉलो कर लो, पिल गए चाचा को मुक्का पड़ गया, ठुन्ना इनको मार दिया हमने। खैर लौंडे आए हैं बहुत खतर, लो लौंडे आ गए भाई, लौंडे बुला लिए इसने, ओमेगा बुला लिया भाई, ओमेगा बहन चोद रेड रेंजर भाई, ब्लेक ब्रेडली की स्किन खतरनाक, लेवल 4 गान फटी मेरी, 55 की हेल्थ मायू वे, चल भाई टोटका मानना पड़ेगा, अस्तिला विस्तिला मुर्गी दी सादी थोड़ी मारी, जय हो, चलो पेलो इनको, पेलो पहली फुर्सत में, चलो चलो बेटा पीछे चलो, लो डंडा निकाल लीन भाई, पता नहीं कौन से नशे में डंडा निकाल लीन, ये तो पीछे चलो, फिलहाल पीछे चल तेरी बहन को नमन, चल पीछे हंटर्स, लो भाई हंटर्स बोली बोम। खैर प्रेडिक्टर पंच पेलेंगे इनकी बहन, लो एक्सप्लिटर बूम, ओ क्रिटिकल भाई, हुए मैं तो मतलब बैच खुशी के बारे पागल हो जाऊंगा भाई, क्रिटिकल लो, अबे भाई घसीट ली डंडा, ग्रैंड साम घसीट लेता है बहन, ओ इसका डैमेज देख रहे हो,
लेवल 4 डैमेज खतरी खतरनाक। और पीछे प्रेडेटर का पंच, बूम, प्रेडेटर का पंच, एक और बूम। चलो खर्चा वॉल बीन पहले बूम 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 बूम, लो टांगों के बीच में दे दिया। खैर भाई, कुछ सुअर मारा है मैंने उसे, अब नहीं आएगा दोबारा। तो अभी आ चुकी है रीता लेजेंडरी, बूम। इसका डैमेज खतरनाक होगा, लेवल 3 39। खैर बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लो स्ट्राइक फेरिन, बहुत तगड़ा स्ट्राइक फेरिन भाई। इसके पास बहुत स्ट्राइक होती है, तो अपने को टेंशन की कोई बात नहीं, बस अपने को शील्ड बचा के रखनी है, क्योंकि गांड कभी भी फट सकती है भाई। चलो पीछे चल तेरी, पीछे चल भाई। दो भाई इसके पास, एक शील्ड है और एक है इसके पास पॉइजन, तो पॉइजन से बच। पॉइजन की बात करो, लो स्ट्राइक भाई। ये मुझे लग रहा है भाई कुछ भाई प्लान करके खेल रही है। ये पहले मार दिए बॉल, उसके बाद घसे इसकी बहन। चल पीछे चल। अरे भाई शील्ड देख रहे हो, शील्ड लौंडे शील्ड ढेर ढेर लेते हैं, जैसे बहन चो दिन के बप्पा शील्ड सप्लाई करते। पीछे अरे भैया पीछे, लो शील्ड थी, ओ भर रहा होगा ना, ईपी कॉस्ट भरने में टाइम लगता है यार, समझा करो। लो पिलवा दी, मैं सोच रहा हूँ पीछे जाऊँगा ये फिर कुछ ना कुछ पील देगा, इससे अच्छा आगे बढ़ता हूँ। वो भी घुसता चला आया बहन चो जैसे। चलो खैर छोड़ पीछे जाओ, पीछे चल। क्रिटिकल बूम, 5000 क्रिटिकल ही नहीं हो रही भाई, किया सिर्फ जैक क्रिटिकल होता है। लो पिल गए, ऐसे ही पिल गए। खैर भाई ये मूव मुझे तगड़ा लगता है आरजे का, ये पंच जो मारता है घसीट के लास्ट में, तो मतलब ओपी लगता है यार देखने में। तो अब बारी है यार इसको पीलने की, उडोना खतरनाक एक। अरे भाई सीढ़ी की भाई जमादीस देख रहे हो, मूर्तिकार हो रही कती कलाकार, मूर्ति बनाने वाली यार, फ्रोज कर मतलब फ्रोज। लो ये कौन सा स्टाइल में भाई जमाई से मुझे कुदाने वाली स्टाइल में भाई, कतई खतरनाक। आ ऊपर चलो, किया को पेलो भाई, मैं बता रहा हूँ आज ये ऐसे स्टाइल में मुझे फ्रीज करेगी, मैंने सोचा भी ना होगा भाई जोगिंदर का छोटा। अरे इसकी चल पीछे चल भाई स्ट्राइक पेलो इसकी बहन को नंबर। चलो ठीक है, आउट ला, ओ हो लपेटे में आ गया भाई वॉल फल्फा, वरना मैं। चलो ठीक है, ओ भाई शील्ड दबा लो। ये वाला असिस्टेंट वैसे तो मैं हर बार ब्लॉक मतलब स्ट्राइक आउट कर सकता हूँ, पर कई बार तुक्का रहता है कि यार स्ट्राइक भरी नहीं होती तो अपन मार नहीं सकते, मतलब अगर स्ट्राइक। लो भाई अरे यार ये मारे ना बस, ओ शिट मेरे को पता था ये मार देगी क्योंकि मैं फ्रोजन हो गया था। अगर ये लो, अरे भैया कौन सी स्टाइल में मूर्ति बनाएगा। लो ब्लॉक, इसको पूरा पता भाई किस टाइम ये फ्रोजन में टूटेगा, मतलब किस टाइम बर्फ टूटेगी और ये किस टाइम मुझे दोबारा मार दे, कहीं खतरनाक मतलब पूरी प्लानिंग। पिल गया भाई, बहुत सही भर जा यार, 4 ईपी कोस इतनी जल्दी भरती नहीं है यार। इसकी 47 एचपी है, फ्रोजन बार बार कर दे रही है, मैं कैसे पेलूंगा। लो लौंडे लो भाई यार लपेट दीस, अगर मैंने वॉल विन थोड़ी सी जल्दी मारी होती तो शायद से मैं जीत जाता। खैर उसने इतनी ट्रिक्स लगा के खेल रहा था यार वो, कि मेरा जीतना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि हर बार तो वो फ्रीज कर दे रहा था मुझे। खैर और टाइजोन, तो आफ्टर नेफ टाइजोन टट्टी हो गया है, बट ये गेम प्ले जो है वो टाइजोन का नेफ होने से पहले का है, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग काफ़ी पुरानी है, बस मुझे वॉइस ओवर करके एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो इसमें टाइजोन का जो है सस्ता वाला ब्रेकर ही है, स्ट्राइक में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो अभी देखोगे आपकी ब्रेकर ही है। बूम, चलो बेटा शाबाश टनो एक बार यार। वॉल्फ बीन का भी डैमेज अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, लो देखा इसका भी अभी ब्रेकर ही है, और यार ये पहला वाला टाइजोन है तो आफ्टर नेफ ये थोड़ा सा स्ट्राइक में बदल गया है, तो अभी तो यार खतरनाक था। अब टाइजोन मतलब टाइजोन की कोई इज्जत ही नहीं रह गई यार, टाइजोन बेकार हो गया। लोग टाइजोन को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे एनबीए वालों ने गेम सिर्फ इनके लिए बनाया हो यार, अपना समझ के एकदम फुर्सत में। लो जैकोपी बूम, सोहेल भैया तुमको खर्चा करके मानूंगा आज मैं। लो अरे भाई 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 पीछे चल, ये इसको डोज करने में थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ती है, क्योंकि जो दो फायर वाली बटन मतलब दो फायर वाली बुलेट्स रहती हैं उनको तो आप डोज कर देते हो, फिर टाइजोन ड्राइव किक मार देता है यार। लो ड्राइव किक के बाद अपन पिल जाते हैं, अगर आप फुल रेंज से बाहर निकल जाओगे तो ड्राइव किक से भी बच सकते हो। स्ट्राइक बूम, बस ये ब्लॉक हो रहे भैया, शील्ड दबा दी, पीछे चल तेरी वे। ओ मुझे लगा भाई साहब कहीं ये स्लेज ना पेल दे, मतलब डिफेंसिव। खैर पेल दिया कायदे में उनको फिर से यार। अच्छा ये वो दूसरी वाली, ठीक है रेंजर मैन, और इसके पास भी है रीता लेजेंडरी, और होपफुली ये लेवल 3 ही है। चलो लेवल 3 बूम, चलो ब्लॉक किया बूम भाई, क्रिटिकल नहीं हो रही यार, किया बहुत सालों से जन्म हो गया यार क्रिटिकल। लो अरे यार लौंडे दिमाग लगा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पिरो बन रहे, पिरो खिलाड़ा बन रहे इसकी भैंसी। लोगों अभी आइडिया लगाता हूँ, कोई शील्ड बूम बूम ब्रेकर बूम, चलो बेटा हवा में मोड़ो अल्फा वॉल बूम बूम। यार ये जो आरजे का मूव है ये वॉल्फ अल्फा
और हंटर्स पोली, ये दोनों खतरनाक लगते थे। जब आरजे नया नया आया था तो कितना तगड़ा लगता था ये मूव देखने में, और किसी को भी वॉल बीन डोज करना नहीं आता था क्योंकि इसकी सुपर मोड में। अब तो हर किसी लौंडे को पता है यार कि वॉल बीन डोज हो जाती है, और कोई सा भी पीछे बढ़ के मतलब मैगना वगैरह यूज़ करके लोग वॉल बीन को मतलब बच जाते हैं। तो आप थोड़ा ट्रिक लगा के वॉल बीन मारनी होती है, आपने अपोनेंट को मारा तुरंत से वॉल बीन मार दोगे तो सही रहता है, ठीक है। तो ओ मुझे लगा घसीट लीज, लेकिन भाई बच गया। तो छः इसकी पिकोस बेकार और बूम, चलो सही है रोज। अरे भैया शील्ड खतरनाक, चलो लौंडे बड़ा ओ हो क्रिटिकल वो 5800 बहुत तगड़ा, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई साहब। तो कोई नहीं अपन आ गए हैं थोड़ी सी लीग डाउन में। ओ ये राक्षस कहाँ से टपका, खुलासा करना पड़ेगा। तो भाई ओ लेवल 6 भाई 40 हेल्थ, खैर लेवल 6 बहुत ही खतरनाक, और इसका मतलब है कि भाई डैमेज भी काफ़ी तगड़ा। लो स्ट्राइक आउट, कोई दिक्कत नहीं भर जाए इसकी। मेरे पास तो चारों मूव 4-4, अरे यार चारों मूव की ईपी कोस 4 है, और मैं करूं भी तो क्या करूं, भरने में पूरा साल लग जाएगा इसकी। बे लो खुद भी पिल गया, मुझे भी पिलवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आओ बूम, चलो पीछे चल भाई, इसको पेलना पड़ेगा। इसका डंडा देख रहे हो कितना नीला नीले रंग का है, नीले रंग का आदमी। अरे भैया कितने ब्लॉक रखे हैं यार ये। वैसे तो इसके पास यार सारे मूव शॉर्ट रेंज है, बट ये घुसता हुआ चला जा रहा है मेरे उधर, तो मैं बच नहीं पा रहा हूँ उससे। कोई दिक्कत, लो समझ रहे हो स्टन करके ओ टाउंट, अब मेरा मूड ख़राब हो रहा है भाई। टाउंट नहीं पेलना चाहिए, टाउंट पेलोगे तो हम भी लो स्ट्राइक आउट, टाउंट पेलोगे तो हम भी पेल लेंगे, एक बार बच जाऊँ तुझे मैं बताता हूँ। लो दिमाग लगा लीज भाई, शील्ड दबा दीज, हम कभी दिमाग नहीं लगाते भाई, कैसे लगा लीजिए। चलो पीछे चलो, हंटर्स फॉली बम, वो थोड़ा सा डिले टाइम बहुत तगड़ा, और ये सुपर मोट बम 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 बम, क्रिटिकल लास्ट में बहुत तगड़ा लाउंडो को पेला भाई। टाउंट मत पेलो, देखो मार रहे हो अच्छी बात है, पर इतना मत समझो कि हम नूब हैं हम फंदू हैं, ऐसा नहीं समझो भाई, लाउंडे हमें भी पेलने आते हैं। तो ठीक है आओ, किया लपेटू का ब्लॉक पेल देगा भाई, चलो ठीक है कैंसिल। देखा भाई किया ब्लॉक कर, इसकी बहन का नोमन भाई किक कर दी भाई, किया खा गया ये मेरी मायूस है, कोई दिक्कत। ओ इसका तो मैं ब्रेकर खा गया, बहुत सही वॉल्फ अल्फा बम बम, एक और बम। तो यार आरजे में अगर आपको सुपर मोड लाना है तो फर्स्ट वाला जो स्ट्राइक है वो यूज़ करो ज़्यादातर, क्योंकि उसमें जल्दी सुपर मोड आता है, और सेकंड वाला ब्रेकर जो वॉल्फ बीन आती है उसमें ब्रेकर मतलब वो वाला जो ब्रेकर है उससे आपका ये जो सुपर मोड नहीं फील होगा, सिर्फ प्रेडिक्टर पंच का होगा। तो फर्स्ट वाला स्ट्राइक आपके लिए ज़्यादा सही है, बट आप देख के मारो कि यार ओपोनेंट ब्लॉक ना करे, चेकी देख रहे हैं अराउंड। और ये भे सीढ़ी ठीक है, कोई नहीं बूम, एक भर गया अपना सुपर मोड भर गया, क्योंकि अपन ने बहुत यूज़ करा इस बार सुपर मोड। बूम बूम बूम, ब्लॉक नहीं करा ठीक है, प्रेडिक्टर पंच, प्रेडिक्टर पंच, और पीछे जा मार वॉल बीन, बूम 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 बूम। भाई साहब ये जो सीन है ये कति खतरनाक लगती है आरजे में, क्योंकि कोई नहीं बच सकता अगर आपने टाइमिंग सही रखी है तो बहुत सही है। और अगर आरजे बफ हो जाए तो और भी तगड़ा रहेगा, क्योंकि नेफ तो पहले ही हो चुका है, अब बफ होने की कोई उम्मीद नहीं। इसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस कर दी गई सुपर मोड भरने की 40% तक, पहले अच्छा था अब आरजे बेकार हो गया, पहले आरजे तगड़ा था बट आफ्टर नेफ तो यार टट्टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आओ यार थोड़ा इन्हें भी खोल के बजाते हैं, क्योंकि यार बहुत तीरंदाजी कर ली है इनने और बहुत तीर हमारी गांड में मार चुके हैं। तो चलो यार खोल के बजाना शुरू करते हैं, पहला ही क्रिटिकल किया का लगा है और अब पेलेंगे इनको मेरा मतलब है कि लातों से, मेरा मतलब है सिर्फ हाथों से ठीक है। तो आओ, और ये भैया हंटर्स पोली टच ही नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हाथ नहीं लगाएगा आप सिर्फ लाते चलेंगे इसकी बहन। और ये भैया पंच पड़ा ही नहीं ठीक है, वॉल बीन पेलेंगे फिर जैक को पीन तक ब्लॉक करूँ क्या, नहीं पिकॉस बढ़ जा ले लो भैया वॉल हल्फा बहुत सही ठीक है, एक्सप्लिटर बम 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 बम, चलो ठीक है अब किन वॉल्फ अल्फा वॉल्फ बम नहीं किया सही है। अरे यार ठीक है गैल पेल दी कोई चक्कर नहीं। तो तीरंदाजी वाली महिला थोड़ी सी लपेटे, ओ भाई साहब कैंसिल बम सुपर मोड बम 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 बम, 300 रह गई ठीक है। अरे भाई साहब ओ पिल गई ठीक है, तो पिल गई, अगर कहीं वो रह जाती तो मेरे को थोड़ा सा कड़की हो जाती, बट स्टिल हम जीत गए हैं और आ चुके हैं किंग भैया। बेसिकली यार ये फाइट तब की है जब यार रैंक
रीसेट हो रही थी एक दिन पहले की, तो इसलिए आधे जो बैटल हैं वो ब्रोंज की हैं और आधे बैटल यार मैं इसको बनाते बनाते थोड़ा सा डाउन आ गया था रूबी में, तो आधे बैटल आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि अगले दिन ही यार रैंक रीसेट हो गई तो फिर मैं इमरल्ड टू रूबी आ गया, तो दैट्स वाई आपको रूबी लीग के बंदे दिख रहे हैं, रूबी से भी शायद नीचे वाले कई, क्योंकि सब अच्छे अच्छी लीग के यार हैं सब गोल्ड उसके यार क्या बोल रहा हूँ मैं सब के सब ये ब्रोंज और एमरल्ड के हैं, बट सब रैंक डाउन की वजह से सब इधर आ गए, तो अपन इसीलिए कर रहे हैं बूम, तो कोई चक्कर की बात नहीं, सब अच्छे खिलाड़ा हैं। और अभी किंग भैया दो हैं, बहुत टाइम से इधर उधर घसीटने पे तुले हुए हैं तेरी, चलो रुको प्रोडक्टर पंच पे लेंगे, अरे इसकी अरे शर्ट वो यार घसीट लिया इसने, नहीं तो ओ किया भाई किया खा गया इसकी बहन को, रुको दो मिनट अभी बताते हैं, रुको थोड़ा दिमाग, अरे इसकी दिमाग लगाने दो, बम वॉल वेन अब पेल दो, बम 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 ओ शील्ड दबा रहा है, अखंड चूती आदमी है भाई, अखंड चूती है, इससे बड़ा चूती है नहीं देखा, शील्ड दबा रहा है सामने से, इसको लगा होगा मैं स्ट्राइक पेलूँगा, पागल थोड़ी ना मैं, मेरी वॉल्फ भर गई मैं वॉल्फ मारूंगा, कर दूँ एक कदाई कोई दिक्कत नहीं, पंपकिन रैपर ओ ब्लेसिंग डेविल 47 के हेल्थ लेवल 6 तीनों लेवल 6 भाई, मैक्स तो नहीं है लेकिन हाँ सफिशेंट है, अगर किसी को बोला जाए कि मतलब इपिक में क्या कितना लेवल अपग्रेड कर सकते हो, तो 6 के ऊपर तो यार नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता यार, मेरा भी 7 नहीं है अभी तक कोई भी बूम, तो 6 तक ही है, और इसका डैमेज ओ हेल्थ रिस्टोर कर रहा है 23 2300 प्लस हेल्थ रिस्टोर, अरे इसकी स्कॉर्पिना मारूँ 165 का, ओम स्कॉर्पिना मैक्स है क्या बात है भाई, स्कॉर्पिना मैक्स है, मेरी स्कॉर्पिना भी 150 का ही डैमेज देती है, कोई बात नहीं, अरे यार भाई फुल प्रेडिक्शन कर रहा है ये हर बार मेरा जो है मूव, इसकी बहन को नमन रुको थोड़ा सा तो मुझे, अरे भैया क्या नशे कर रहा है ये गेम में कितना, ओह चलो ठीक है एक पड़ा फील माई पेन, बोम 13000 हंटर्स पोली बम 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 बम, अरे यार एक भरा ही नहीं वो इसकी, कोई चक्कर नहीं है, वॉल्फ अल्फा कैंसिल कर इस बम वॉल्फ अल्फा, अरे मैं क्यों कैंसिल कर रहा हूँ पागल हूँ क्या मैं भाई साहब, मैं क्यों कैंसिल कर रहा हूँ यार, मेरे को दिमाग मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई, ओह कैंसिल कर इस सही है वॉल्फ अल्फा, अभी अपन नहीं करेंगे कैंसिल, ओ अरे भाई 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 डिफेंस ले लिया यार ये कद्दू ने, इसका वो भर गया होगा ई पी इसलिए इसने डिफेंस, तो कोई दिक्कत नहीं, शिवांशु तोमर और चुनली इन द गेम, तो लेवल वन चुनली, खैर भाई की अभी रिसेंटली आई थिंक अनलॉक हुई होगी, तो अरे भाई क्योंकि डैमेज इसका कम लग रहा है मुझे चुनली का, नहीं ठीक ठाक है यार ठीक ठाक है सफिशेंट है, कोई चक्कर की बात है, बोम ऐसे किया पड़े, अरे भैया स्ट्राइक आउट करने तो लें, रुको कोई दिक्कत की बात, ओ टाउंट यार लाउंडेड टाउंट पहनने मज़ा आता है, वो सोचते हैं कि खैर छोड़ो इस टॉपिक को, टाउंट पहन लें तो जिसको पहनना है, हंटर्स पोली पहलेंगे अपन हंटर्स पोली, अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा मार लेने दो, इसको पता नहीं है जो जिंदगी का मज़ा है यार वो एंडिंग में आता है, तो लपेटेंगे इन्हें भी कुछ कायदे में, प्रेडिक्टर पंच बोम प्रेडिक्टर पंच पड़ा, वॉल्फ अल्फा अल्फा वॉल्फ आई थिंक बोम एक पड़ गया, वॉल्फ बिन ब्लास्ट आ गया अपना कोई चक्कर, ओ भाई साहब मैं आगे क्यों बढ़ा, चलो शॉर्ट रेंज से लड़ू शॉर्ट रेंज में, इसको पता ही नहीं शॉर्ट रेंज है, ठीक है कोई चक्कर नहीं, बोम एक और मैं चाहूँ तो सुपर मोड मार सकता हूँ लेकिन यार वो फिर वेस्ट हो जाएगा क्योंकि मेरा एपी कॉस्ट 10 के करीब करीब रहेगा, तो मैं मारूँ, अरे यार हंटर्स पोली दबाई नहीं, मुझे लगा पहले शायद फ्योनिक्स पाम मारेगी बट शायद उसमें ब्लॉक रहा होगा इसके पास, तो खैर कोई बात नहीं डबल डैमेज दे रही क्या बात है, फायर और वो साथ में बोम, अभी अपन मारेंगे बॉल बीन ब्लास्ट बोम 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 गाइस, तो यार ओ इसने चुतड़ दिखा दिया भाई के एंड दिखा दी इसने, तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है यार तो प्लीज़ वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पे अगर नए हो यार तो प्लीज़ से कर दो सब्सक्राइब, वो लाल वाला बटन है यार उससे बस काला कर दो, मुझे नहीं पता कैसे करोगे उसके साथ चुम्मा करो या चाटे करो भाई यार राजे से खेलो उसके साथ या ब्लेक से मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए यार, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करो पता नहीं क्यों, पर यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, और ऐसे ही वीडियो बहुत आते रहेंगे यार, अब लाइव स्ट्रीम भी बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो बस सपोर्ट करो यार, और मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं।